सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा एजुकेशन वर्ल्ड दे ऑफिशियल YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW दे उपर। गल करन जा रहे हैं आपां पेट प्लस वी वालों नवियां भर्तियां कढ़िया गईयां ने, ट्रिपल एस बोर्ड दे वालों नवियां भर्तियां कढ़िया गईयां ने, उहदे बारे आपां अज गल करन जा रहे हां। सब तो पहला जिन्हां ने साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता जल्दी तो सबसक्राइब कर लवो और बैल आइकन प्रेस कर लवो ताकि जिहड़ी नवी अपडेट ने तुहानूं मिलदियां रहन। ट्रिपल एस बोर्ड बी बोर्ड वालों नवियां भर्तियां कढ़िया गईयां ने स्टैनो टाइपिस्ट ते जूनियर स्केल स्टैनोग्राफ दीआं, उहदे आपां बारे गल करन जा रहे हां। पी ट्रिपल एस बी वालों नवियां नवियां भर्तियां कढ़िया जा रहियां ने, काफ़ी जिहड़े रिक्रूटमेंट कढ़ियां जा रहियां ने तां उहदे बारे आपां गल करन जा रहे हां, क्योंकि काफ़ी इह दयाल होई पई है कैंडीडेट्स दे उपर, नवियां तों नवियां भर्तियां कढ रही है, तां आपां उहदा फायदा लईए। अते बच्चों नूं मैं इही रिक्वेस्ट करांगा कि ज़्यादा तों ज़्यादा अपने फिल करो टैसट जिहड़े कि एलीजिबल बंदे ने ताकि उहनां दी जिहड़ी पोस्ट है पक्की हो सके। तां शुरू करदे हां वीडियो, वीडियो वधिया लगे एंड विच तां लाइक जरूर करना। तो तुसीं देख सकते हो ट्रिपल एस बी पंजाब वालों नवीं पोस्टां कढ़िया गई ने स्टैनोटाइपिस्ट दियां अते स्टैनोग्राफ दियां, उहदी जिहड़ी कि सब तो पहला उन्होंने डेट्स मैनशन कीतियां ने, जिहड़ी कि एडवर्टाइजमेंट आई सी 5 जनवरी नूं आई सी, उस तो बाद ऑनलाइन अपलाई करन दी डेट्स है जिहड़ी 6 जनवरी तो शुरू हो चुकियां ने। ऑनलाइन अपलाई करन दी लास्ट जिहड़ी डेट हैगी है वह 5 फरवरी की है, शाम 5 बजे तक, अते फीस भरन दी आखिरी तरीक है 8 फरवरी। तो यह आप दस दिए कि सब तो पहला तो जी भी एप्लीकेशन फाइल होनी है ऑनलाइन ही होनी है, जिहड़े भी बच्चे अपलाई करना चाहते हैं स्टेनोटाइपिस्ट लई जां जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर लई, तो उहदे लई उन्हां नूं ऑनलाइन ही अपलाई करना पवेगा। डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हाँ, तो ये उन्होंने दस्सिया है कि स्टेनोटाइपिस्ट अते जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जी भर्तियां ने असामियां नूं भरन लई ट्रिपल एस बी वालों नवीं भर्तियां कढ़िया गई ने, जिहड़ी कि 6 तरीक तो लाइव ने अते 5 तरीक तक लास्ट कीतियां जाणगियां फिल, जिवें कि तुहानूं मैं पहला ही दस्सिया है। तो पोस्टां की गल करते हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जी स्टेनोटाइपिस्ट की है वह 312 ने, जूनियर स्केल स्टेनोटाइपिस्ट की जी है ने 22 पोस्टा ने। तो कैटेगरी वाइज जो आप देखते हाँ तो जनरल 120 ने स्टेनोटाइपिस्ट की, जूनियर स्केल स्टेनोटाइपिस्ट की 11 ने। इदा इंस्टीट्यूट कास्ट लई एस सी वाले ने 71 ने, जूनियर स्केल दियां 4 ने, बीसी दियां 25 ने स्टेनोटाइपिस्ट दियां, जूनियर स्केल दियां 1 ने। इदा ही ESM दियां स्टेनोटाइपिस्ट 3 ने, जूनियर स्केल दियां 20 ने। इदा ही अलग अलग कैटेगरीज विच काफ़ी पोस्टां कढ़िया गईयां ने, टोटल अमाउंट जिहड़ी बनती है 312 बनती है स्टेनोटाइपिस्ट की, जूनियर स्केल टाइप स्टेनोटाइपिस्ट की बनती है 22 पोस्टा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के जिहड़े कैंडीडेट्स ने अपलाई कर सकते हैं, तो इसका फायदा लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्टां ने 312, तो काफ़ी जाने बच्चे अपेयर हो सकते हैं जिन्हें कि स्टेनोटाइपिस्ट के अकॉर्डिंग जी एलीजिबिलिटी है वो बारे में आप डिस्कस करा, जो तुम एलीजिबल हो तो जरूर अपलाई करो। इस तो अगर उन्होंने पे स्केल बारे दसाया है कि पे स्केल किनी रहेगी, तो स्टेनोटाइपिस्ट की जी पे स्केल है वह 21700 रहेगा लैवल 3 का, जूनियर स्केल की जी है 29200 की रहेगी लैवल 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, विद्यक योग्यतावान या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गल करते हाँ, जो आप स्टेनोटाइपिस्ट लई तो वो जो भी एप्लीकेंट है वो बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, चाहे किसी भी डिसिप्लिन होवे, चाहे BCOM होवे, चाहे BSc होवे, कोई भी बच्चा या BCA होवे, कोई भी कैंडीडेट अदली अपलाई कर सकता है। इस तो अलावा वो 120 घंटे का कोर्स होना चाहिए है, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए है पर्सनल कंप्यूटर का, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का, या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन का। ये तुम जो सर्टिफिकेट होना जरूरी को 120 घंटे का जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए है, नाल सर्टिफिकेट होना चाहिए है कंप्यूटर नॉलेज का कि हाँ तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है तुहाडे कोल कंप्यूटर प्रोसैसिंग का, जो भी सर्टिफिकेट है लैवल ओ का होना चाहिए है, डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स वालों मानित होना चाहिए है। इस दे नाल नाल ही तुहाडी जिहड़ी मैट्रिकुलेशन लैवल की जी पढ़ाई है उहदे विच पंजाबी तुहाडा एक कंपलसरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए है, 10वीं तक तुहाडी पंजाबी लैंग्वेज होना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक जिहड़ी हैगियां ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशनस ने एक कैंडीडेट दी होनी चाहिए ने, जेकर तुसी 10वीं तक पंजाबी पढ़ी है उस तो बाद तुसी किसी भी अपनी ग्रेजुएशन की है किसी भी डिसिप्लिन विच, नाल ही नाल तुहाडे कोल 120 घंटे का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर का जां सर्टिफिकेट है कोर्स का, तो तुसी इस पोस्ट लई अपलाई कर सकते हो। इस तो बाद आपां गल करते हाँ कि पेपर किदा रहेगा, पेपर किदा कंडक्ट करवाया जाएगा, उस तो पहले आप गल कर लीए उम्र की,
ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 250 ਹੈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 200 ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਕੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ 80 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਟੋਟਲ 400 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਦੋ ਪੈਰੇ ਹੋਣਗੇ 200-200 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8% ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ 100 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 500 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ 250-250 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰੇ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ 500 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ 200 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 10 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 8 ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡਿਕਟੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ http://www.punjab.government.in ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਬਾਕੀ SC/BC ਦੀ 250 ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 500 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਗਜ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ